हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को तथा बेल आइकन को दबाएं ताकि आप और भी इसी तरह की फ्री जानकारी प्राप्त कर सकें। अगर आप यूसी में हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को फॉलो करें। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। घर की गरीबी दूर करने के लिए शास्त्रों में कई उपाय बताए गए हैं। इन उपायों का पालन करने पर घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। ऐसा ही एक उपाय है, तुलसी जड़ के पास शालिग्राम रखकर रोज पूजा करने का। शालिग्राम को भगवान विष्णु का स्वरूप माना गया है। जिन घरों में तुलसी के साथ शालिग्राम की पूजा होती है वहाँ दूर दूर तक गरीबी का नामो निशान नहीं होता। दोस्तों, शालिग्राम को स्वयंभू माना गया है, इसलिए तो इसकी प्राण प्रतिष्ठा की भी आवश्यकता नहीं होती। यह पवित्र शालिग्राम शिला नेपाल की गंडकी नदी के तल पर पाई जाती है। वैसे तो शालिग्राम अलग अलग रूपों में मिलते हैं, जैसे कुछ अंडाकार होते हैं, कुछ में एक छेद होता है। इस शिला में शंख, चक्र, गदा या पद्यम का निशान बना होता है। दोस्तों, शास्त्रों में यह कहा गया है कि भगवान शालिग्राम की पूजा तुलसी के बिना पूरी नहीं होती और तुलसी अर्पित करने पर वे तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि शालिग्राम को भगवान विष्णु का अवतार माना गया है। अतः जिस घर में तुलसी के साथ रोज सुबह शालिग्राम की पूजा होती है वहाँ भगवान विष्णु का आशीर्वाद तो होता ही है, साथ ही माता लक्ष्मी का भी वहाँ वास होता है, क्योंकि जहाँ भगवान विष्णु होते हैं वहाँ माता लक्ष्मी होती है। शालिग्राम और भगवती स्वरूपा तुलसी का विवाह करने से सारे अभाव, कलह, पाप, दुख दूर हो जाते हैं। तुलसी शालिग्राम विवाह कराने से कन्या दान के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। विष्णु पुराण के अनुसार जिस घर में भगवान शालिग्राम हो वह घर तीर्थ के समान होता है। पूजा में शालिग्राम पर चढ़ाया हुआ जल भक्त अपने ऊपर छिड़कता है तो उसे तीर्थों में स्नान के समान पुण्य फल मिलता है। जो व्यक्ति शालिग्राम पर रोज जल चढ़ाता है वह अक्षय पुण्य प्राप्त करता है। शालिग्राम को अर्पित किया हुआ पंचामित्र प्रसाद के रूप में सेवन करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। ब्रह्म वेवर्त पुराण में बताया गया है कि घर में शालिग्राम की यदि रोज पूजा हो तो वहाँ की सभी दोष और नकारात्मकता खत्म हो जाती है। दोस्तों, वैसे तो शालिग्राम शिला को आप किसी भी दिन तुलसी के पौधे के पास रख सकते हैं, परंतु यदि यह कार्य किसी शुभ दिन किया जाए तो इसका आपको दोगुना फायदा मिलेगा। दोस्तों, 31 मार्च हनुमान जयंती पर ग्रहों के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं, अतः इस दिन यदि आप तुलसी के नीचे शालिग्राम रख पूजा करें तो तुरंत ही आपको इसका फल मिलेगा। जितनी भी परेशानियां अथवा कर्ज से जुड़ी समस्याएं चल रही हैं वह तुरंत खत्म होंगी। इसके साथ ही धन आगमन के भी योग आपके लिए बनने लगेंगे। दोस्तों, यदि आप शालिग्राम शिला को खरीदना चाहते हैं तो हमने आपकी सुविधा के लिए इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। इसके अलावा दोस्तों, आप इसे हमारे व्हाट्सएप नंबर 9999474433 पर व्हाट्सएप या कॉल करके मंगा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई होगी। प्लीज़ हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें।